करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फातिमा काइंडली शेयर कर दें। ठीक है, मैं कर रही हूँ। विजिबल है सबको? चलें चैप्टर नंबर टू खोलना है। मैं बुक से करवाऊंगी एक्चुअल में, लेकिन आप लोग यहां से देखें। इसको लैंडस्केप में कर दें। ठीक है, मैं एक मिनट ओपन करके करती हूँ। चैप्टर नंबर यूनिट टू टू हमने स्टार्टिंग स्टार्ट है। किया। ठीक है, अच्छा जी, आज हम पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो मैं मेन मेन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग की आप लोगों को करवाऊंगी। और अगर बहुत ज्यादा हम करेंगे तो इससे फिर ये होगा कि चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है? इसलिए मैंने इसके 5-6 पेजेस बुक के आज रखे हैं। उसके साथ एमसीक्यूज हम कर लेंगे कुछ, और आधा चैप्टर कल करके उसके साथ आधे एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर नंबर सेकेंड, 3-लेवल आर्किटेक्चर। थ्री लेवल आर्किटेक्चर, हाँ जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो पहली लाइन में पहली बात है डेटाबेस टास्क ग्रुप की। डेटाबेस टास्क ग्रुप डेवलप और पब्लिश किया था एक प्रपोजल के लिए फॉर अ स्टैंडर्ड वोकैबुलरी एंड आर्किटेक्चर। डेटाबेस की जो वोकैबुलरी होती है, जो उसका आर्किटेक्चर होता है, उसके लिए डेटाबेस टास्क ग्रुप ने इसको डेवलप किया था और पब्लिश किया था, ठीक है? और ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और इसको इट वाज अपॉइंटेड बाय, इस चीज को किसने अपॉइंट किया था? डेटा सिस्टम एंड लैंग्वेजेस, जिसको हम कॉडा SYL कहते हैं, इन लोगों ने इसको कॉन्फ्रेंस, अपनी कॉन्फ्रेंस में समझे पब्लिश किया था। और द स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट कमेटी ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो NC के बारे में हमने पढ़ा था, कमेटी ऑन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन्होंने क्या किया था? डिवेल्प किया था और पब्लिश किया था एक सिमिलर कॉन्सेप्ट। किसके लिए? वोकैबुलरी और आर्किटेक्चर के लिए। कब? 1975 में। 1971 में भी हुआ और 1975 में भी हुआ। 1971 में वोकैबुलरी और आर्किटेक्चर डेटाबेस सिस्टम के लिए बनाए गए, और वो किसने बनाए? डेटा टास्क ग्रुप ने बनाया, और जिसको हेल्ड किया किसने? डेटा सिस्टम एंड लैंग्वेजेस की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इन लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी उसके अंदर। और जो ठीक है, स्टैंडर्ड प्लानिंग और रिक्वायरमेंट्स कमेटी थी अमेरिका की, उन्होंने एनसी ने जो जिस कॉन्फ्रेंस में इसको किया, उन्होंने 1975 में सेम चीज को किया, ठीक है? अच्छा, द रिजल्ट ऑफ 3 रिपोर्ट्स वाज 3-लेवल आर्किटेक्चर। ये जो रिपोर्ट्स थी, रिजल्ट थे इनके, 3-लेवल आर्किटेक्चर था। 3-लेवल आर्किटेक्चर एक्चुअल में क्या है? ये बेस है मॉडर्न डेटाबेस आर्किटेक्चर की, और इसी 3-लेवल आर्किटेक्चर को हम 3-लेवल स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है? डेटाबेस स्कीमा भी इसी को कहा जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है? ये नीचे जो है 3-लेवल आर्किटेक्चर की डायग्राम बनी हुई है, उसको हम देखेंगे ताकि एक क्लियर पिक्चर माइंड में बैठ जाए। 3-लेवल आर्किटेक्चर में सबसे नीचे एक फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन होती है, डेटाबेस होती है। उसके बाद इंटरनल लेवल होता है, जिसको हम इंटरनल स्कीमा भी बोलते हैं। उसके ऊपर एक कंसेप्चुअल लेवल होता है, और आखिर पे एक्सटर्नल लेवल होता है। तो एक्चुअल में जो 3 लेवल्स हैं वो कौन से हैं? लेवल 1 हमारा इंटरनल लेवल, फिर कंसेप्चुअल लेवल, और उसके बाद एक्सटर्नल लेवल जो होता है। ये 3 लेवल्स हैं। अच्छा, स्कीमा क्या करता है एक्चुअल में? स्कीमा यूज होता है स्टोर करने के लिए डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होगा उसकी डेफिनेशन को स्टोर करेगा स्कीमा हमारा। अब एक्सटर्नल व्यू की तरफ आते हैं, आगे करें।
एक्सटर्नल व्यू, इसको हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं या व्यू भी कहते हैं, डायरेक्ट व्यू भी कहते हैं. द एक्सटर्नल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज ऑफ अ डेटाबेस. एक्सटर्नल लेवल में सिंपल बात याद रखनी है कि एक्सटर्नल व्यूज होंगे डेटाबेस के. अब वो किस तरह से किए जाते हैं वो प्रैक्टिकल भी हम करके देख चुके हैं ऑलरेडी अपने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के अंदर. और व्यू क्यूरी के थ्रू हम सिंपल इतनी बात याद रखें, क्यूरी के थ्रू हम डेटाबेस में से कोई भी रिकॉर्ड व्यू करके देखते हैं. सम व्यूज माइट इंक्लूड वर्चुअल और कैलकुलेटेड डेटा. ये बात इंपॉर्टेंट है कि कुछ व्यूज के अंदर कुछ वर्चुअल इंफॉर्मेशन होती है या कोई कैलकुलेटेड डेटा हम शो कर रहे होते हैं. अच्छा जी, एक्सटर्नल लेवल इज डिस्क्राइब्ड एज एक्सटर्नल स्कीमा. एक्सटर्नल लेवल को हम एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड सब स्कीमा, इसको सब स्कीमा भी कहा जाता है. एक्सटर्नल स्कीमास रेफर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा. और एक्सटर्नल लेवल को हम डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उस स्कीमा के अंदर एक्सटर्नल व्यूज डिफरेंट व्यूज होते हैं डेटा के. इन चीजों में से मेन मेन चीजें इसलिए बता रही हूँ कि एमसीक्यूज जब आते हैं तो वो एक्सटर्नल व्यू के बारे में आएंगे, लॉजिकल व्यू के बारे में आएंगे. ठीक है, तो इन चीजों में से एमसीक्यूज बनते हैं कि फलां चीज होती है तो वो कहाँ होती है, लॉजिकल व्यू में होती है या एक्सटर्नल व्यू में होती है, इंटरनल व्यू. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल व्यू जो होता है मिडिल लेवल का व्यू होता है. थ्री लेवल आर्किटेक्चर में लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द डेटा स्टोर्ड इन. अब ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये बताएगा कि डेटा जो स्टोर है डेटाबेस में उसके बारे में हमें बताता है. इट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस. इसके अंदर क्या होता है, पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है एक्सटर्नल लेवल एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर, सॉरी लॉजिकल कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर डेटाबेस की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है. ठीक है, कोई आया तो नहीं है जिसको एडमिट करना हो, चले. अच्छा किया तो है दो लोगों को. अच्छा बस ठीक है ठीक है. अच्छा जी, लॉजिकल लेवल को अब समझते हैं दोबारा से. लॉजिकल का खोलें फातिमा, पिक्चर खोलें, इमेज. ये वाली कह रही थी. हाँ हाँ हाँ, अब कंसेप्चुअल लेयर देखें, नीचे वाली, नीचे वाली, इस नेक्स्ट वाली आगे. हाँ आगे चलती जाए, आगे चलती जाए ना. हाँ, लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल व्यू. अब लॉजिकल या कंसेप्चुअल व्यू में आप देखें कि डेटाबेस की सारी डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट कर रही होगी. नहीं फातिमा, आप शायद ज्यादा आगे चली गई. ये नहीं नहीं, थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा नीचे करें. ये वाला था शायद. लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल लेवल ये ना, इसकी ये डायग्राम है. ये ठीक है. बस बस बस, थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करें इसको. बस यहाँ से कंसेप्चुअल लेयर के अंदर आप देखेंगे डेटाबेस की पूरी इंफॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी बंदे के बारे में, डिपार्टमेंट, सारी इंफॉर्मेशन है. जो भी डेटा था उसकी सारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मौजूद है. ठीक है, जो स्टोर होती है डेटाबेस में. तो कंसेप्चुअल लेयर में ये वाली इंफॉर्मेशन होती है, डेटा की इंफॉर्मेशन होती है. दिस लेवल कंटेन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर डेटाबेस एज सीन बाय डीबीए. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जैसे उसको देखता है, वहां पे कंसेप्चुअल लेयर पे वो चीज स्टोर की जाती है लॉजिकल स्ट्रक्चर में. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएं, इंटरनल और फिजिकल लेवल. थोड़ा सा नीचे करें. अब फिजिकल या इंटरनल लेवल कौन सा होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. इंटरनल लेवल, इंटरनल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डेटा ऑन स्टोरेज मीडिया. अब फिजिकल है, इंटरनल है. सिंपल फिजिकल से हमें यह समझ आ रही है कि कोई चीज एग्जिस्ट करने वाली है. ठीक है, फिजिकल होती है वो जगह जहां पे कोई चीज हम स्टोर करते हैं. एक मिनट जरा.
ठीक है चले। अच्छा फिजिकल लेवल पे हम देखते हैं कि डेटा जहां पे स्टोर होगा उसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। ये क्या डिस्क्राइब करेगी, ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑन कंप्यूटर। ये हमें ये बताएगी कि फिजिकली डेटा को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है या कैसे स्टोर करना है, डेटाबेस को, डेटा को कैसे स्टोर करना है डेटाबेस में। ठीक है। ठीक है अच्छा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इट कवर्स द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल लेवल। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल में डेटा स्ट्रक्चर और फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टोर। ठीक है, फर्स्ट थर्ड लाइन देख लें, थर्ड लाइन में मेंशन है डेटा स्ट्रक्चर और फाइल ठीक है ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा जी आगे है, इंटरनल लेवल इज डिस्क्राइब्ड एज इंटरनल स्कीमा। अब नाम में कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनल लेवल को इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं, एक्सटर्नल लेवल को एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। मैपिंग पे आ जाए, मैपिंग थोड़ा सा नीचे। मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लेवल टू अनदर लेवल। मैपिंग क्या होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल में किसी भी प्रोसेस को कन्वर्ट करने को हम मैपिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या, एक्चुअली डेटा एट वन लेवल इज रिलेटेड टू द डेटा और एट अनदर लेवल। कोई डेटा होगा वो एक लेवल से दूसरे लेवल में रिलेट कर रहा होगा। देर आर टू लेवल्स ऑफ मैपिंग और इसके टू लेवल्स हैं, एक कंसेप्चुअल लेवल है टू द इंटरनल लेवल। फ्रॉम कंसेप्चुअल यानी कंसेप्चुअल लेवल से हम जा रहे हैं इंटरनल लेवल में, या फिर एक्सटर्नल लेवल से जा रहे हैं कंसेप्चुअल लेवल में। देखें या तो हम बाहर होंगे तो बाहर से सेकंड वाले लेवल पे आएंगे जो कि कंसेप्चुअल है, या फिर हम क्या होंगे कंसेप्चुअल लेवल पे होंगे वहां से कहां जाएंगे इंटरनल लेवल पे जाएंगे। तो अब कंसेप्चुअल लेवल या इंटरनल मैपिंग क्या है, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग डिफाइन करती है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोर्ड डेटाबेस। तो अब कंसेप्चुअल है और इंटरनल, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग, तो इंटरनल में क्या होगा इसके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस होगी कंसेप्चुअल व्यू के दरमियान और जो डेटाबेस स्टोर है उसके दरमियान बातचीत होगी। तो सिंपल सी बात है कि इंटरनल में हमारे पास डेटाबेस स्टोर हुआ हुआ है, कंसेप्चुअल में हमारे पास कॉन्सेप्चुअल व्यू है, तो दोनों के दरमियान आपस में रिलेटेड डेटा ट्रांसफर होगा। एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग में क्या होगा, अब सिंपल बात है एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल मैपिंग है, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल के दरमियान आपस में टॉक होगी। अच्छा डेटाबेस स्टोर इन बाइनरी फॉर्मेट फॉर एट फिजिकल लेवल। अच्छा डेटा जो होता है फिजिकल लेवल पे बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है छोटी सी। अच्छा इसको हम सेपरेट करते हैं व्यू ऑफ डेटा से, द डेटा इज सही है सही है, जरा सा ऊपर करें फातिमा, सही जगह पे थी, थोड़ा सा ऊपर करना था। द डेटा इज प्रीफिक्स विद, थोड़ा सा और ऊपर करें बस, नहीं नहीं गायब हो गया, और भी ऊपर मैपिंग आ जाता है ना यहाँ से होगा, नीचे 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 करें, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल एक्सटर्नल नीचे है ये वाला एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, इसकी लास्ट वाला पैराग्राफ है डायग्राम से ऊपर वाला, यहाँ पे लास्ट थर्ड लाइन देखें, द डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट एट फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पे डेटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, बस 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 फातिमा और ऊपर ना जाए। द डेटा इज प्रीफिक्स विद ब्लॉक हेडर, डेटा हमेशा प्रीफिक्स हुआ होता है यानी जुड़ा हुआ होता है ब्लॉक हेडर से। ठीक है, किसी ब्लॉक का एड्रेस उसमें, ब्लॉक हेडर में क्या होगा, ब्लॉक का एड्रेस होगा, सिंपल बात है, एंड रिकॉर्ड हेडर से या रिकॉर्ड या उसमें एक तो उसमें ब्लॉक ब्लॉक का हेडर होगा, ब्लॉक का समझे एड्रेस होगा, और फिर ब्लॉक का रिकॉर्ड होगा। तो दो द रिकॉर्ड हेडर क्या करेगा, रिकॉर्ड हेडर ने रिकॉर्ड के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, इज यूज विद एवरी रिकॉर्ड, और ब्लॉक हेडर इज यूज विद ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। ब्लॉक ने पूरे ब्लॉक्स के एड्रेस स्टोर करने या पूरे ब्लॉक्स को अपने पास रखना है,
तो वो पूरी चीज को अपने पास रखता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को अपने पास रखता है, जबकि रिकॉर्ड हेडर हर एक एक सिंगल का अपना अपना होता है. ठीक है, चले आगे चले. डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ डेटा इन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस. थोड़ा सा और नीचे करें फातिमा, नेक्स्ट पेज है, बस बस थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर. डेटा इंडिपेंडेंस ऊपर का मतलब है थोड़ा सा नीचे करें. हाँ यानी बस सही है. हाँ ऊपर थोड़ा सा और. डेटा इंडिपेंडेंस हम पढ़ रहे हैं ना, डेटा इंडिपेंडेंस बस. हाँ ये वही खुला है ना, डेटा इंडिपेंडेंस. अच्छा वो थोड़ा सा मेरे पास बाद में लोड होता है, बस बस. अच्छा अच्छा हाँ इसलिए द सेपरेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस. अब किस चीज की सेपरेशन हो रही है, डेटा की और एप्लीकेशन प्रोग्राम की. अब ये बात गौर से याद रखना कि डेटा अलग चीज है और डेटा के इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. तो कल हमने ये बात पढ़ी थी कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, कि ये वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से आजाद होएगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा. ठीक है, डेटा को जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, जिस मर्जी एप्लीकेशन में रन करें. तो डेटा इंडिपेंडेंट है पूरे एप्लीकेशन प्रोग्राम से, इसका कोई लिंक नहीं है एप्लीकेशन के साथ. इसको हम क्या कहते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डीबीएमएस. ये डीबीएमएस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और इसकी मोर इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो 3 लेवल आर्किटेक्चर में होती है हमें. ठीक है, अब हम सिंपल बात देख लेते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस जो होती है वो इनेबल करती है यूजर को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. डेटाबेस का अगर हम स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो डेटा इंडिपेंडेंट होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम से, तो हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकेंगे. अदरवाइज हमें पूरी एप्लीकेशन चेंज करनी पड़ जाएगी डेटा को चेंज करने के लिए. इस बात को अंडरस्टैंड करें, अगर डेटा एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट होएगा तो पूरी एप्लीकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस. ये इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, जो मैंने देखे उसमें यहां से क्वेश्चन आते हैं. टू टाइप्स हैं डेटा इंडिपेंडेंस की, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, फिजिकली डेटा इंडिपेंडेंस इज द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इनेबल द यूजर टू चेंज द इंटरनल लेवल. ये क्या करता है, फिजिकल डेटा, देखें फिजिकल कहाँ पे है, जहां पे डेटा स्टोर हुआ है. फिजिकल जगह कौन सी है डेटा की, जहां डेटा स्टोर हुआ है. तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, कि ये इंडिपेंडेंस इस टाइप की इंडिपेंडेंस है जो इनेबल करती है यूजर को. यूजर मैं हूँ, मेरे पास एक डेटा बेस है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ इंटरनल लेवल को, जो सबसे नीचे वाला लेवल है उसको चेंज कर सकती हूँ विदाउट छेड़े किसी और लेवल को. सिंपल, मैं किसी और लेवल को कुछ भी नहीं कहूंगी और मैं इंटरनल लेवल को चेंज कर सकती हूँ. ठीक है, इस बात को कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. अच्छा नीचे करें थोड़ा सा. अच्छा, अगर हम कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज, तो डीबीएमएस जो होता है वो अवेयर होता है उन चेंजेस से, लेकिन वो क्या करता है, सेम लॉजिकल व्यू करेगा प्रोवाइड हमें. ठीक है, लॉजिकल व्यू रिमेन कॉन्स्टेंट इन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर इंटरेक्शन. ऑल लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा आर नॉट आल्टर्ड. ये चीजें आल्टर नहीं होंगी. अच्छा, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है हमारे पास. लॉजिकल इंडिपेंडेंस ये है कि डेटा दैट इनेबल द यूजर टू चेंज द कंसेप्चुअल लेवल. अब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम कंसेप्चुअल लेवल को चेंज करें विदाउट चेंजिंग किए किसी एक्सटर्नल लेवल में. ठीक है, तो लॉजिकल लेवल है ही कंसेप्चुअल लेवल, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में. अच्छा जी, आगे चले फातिमा. जिसने डिटेल में थोड़ा स्टडी करना है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इससे डीप क्वेश्चन फिलहाल मैंने नहीं देखे कि मैं आपको पूरा पूरा टॉपिक करवाऊं. तो मेन मेन बात नहीं नहीं बस जस्ट डेफिनेशन. हाँ, डेटा मॉडल्स क्या है. डेटा मॉडल्स होते हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो हमारी रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, कोई एसोसिएशन है किसी चीज के दरमियान में, कोई लिंक है, रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं, इस गार्ड अ मॉडल, इस चीज को हम मॉडल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम सब MCS की एक मॉडल क्लास है, ठीक है. हम क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास के, और हमारी एसोसिएशन क्या है कि हम एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. तो हम एक डेटा मॉडल हैं. मॉडल क्या करता है, हेल्प करता है यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट की कोई भी कम्प्लेक्सिटी, कोई भी चीज, कोई भी बात अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है. पार्ट्स क्या होते हैं डेटा मॉडल के, पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट होता है और मैनिपुलेटिव पार्ट होता है, और सेट ऑफ इंटीग्रेटेड रूल्स होते हैं इसमें, ठीक है. ये इसका स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, मैनिपुलेटिव पार्ट होगा. मैनिपुलेटिव पार्ट कौन सा होगा, जहां पे मैनिपुलेशन होगी, ऑपरेशंस लगेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे. इंटीग्रेटेड रूल वाला पार्ट कौन सा होगा, स्ट्रक्चरल पार्ट तो सीधी सीधी बात है, समझ आ जाती है, सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनकी बेस पे कोई डेटा डिवेल्प किया जाएगा. और इंटीग्रेटेड रूल्स क्या होंगे, जहां पे डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन रखा जाएगा. डेटा मॉडल के एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज हम देखते हैं. द डेटा मॉडल इज यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल फॉर डेटाबेस डिजाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड एंड यूजर टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. डेटा का जो मॉडल होता है वो हमें क्या करता है, हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, किस किस के दरमियान, डेटाबेस डिजाइनर है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है और एंड यूजर है, इनको हेल्प करता है कि आपस में कैसे कम्युनिकेट करें. जब तक वो मॉडल का नहीं पता होगा डेटा के, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, डेटा मॉडल की टाइप्स क्या क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है. ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स हैं, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स हैं, और फिजिकल डेटा मॉडल है, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल कौन कौन से होते हैं. ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल यूज द कॉन्सेप्ट्स. ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एंटिटीज हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हम प्रॉपर्टी, यानी स्टूडेंट है किसका, एमसीएस का, उसका कोर्स क्या है, जो कोर्स वर्ड है, कोर्स जो नेम, टाइटल, एड्रेस, आईडी, ये सारा कुछ उसके एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा, ठीक है. आईडी, नेम, उसका फादर नेम, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं. एंड रिलेशनशिप, एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड. एंटिटी क्या चीज होती है, कोई भी पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई चीज है, कोई इवेंट है जिसके मुताबिक हमने डेटा कलेक्ट करना है, उसको हम एंटिटी कहते हैं. एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी. कोई भी एंटिटी जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स आगे क्या है, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आगे क्या है. स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका रोल नंबर क्या है यार, उसका नेम क्या है, ठीक है, उसका कोई नेम होगा, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. रिलेशन इज एन एसोसिएशन. रिलेशनशिप क्या होता है, एक एसोसिएशन होती है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, एक या एक से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको रिलेशनशिप कहेंगे. अच्छा जी, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स के नेम क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप, सिमेंटिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. एंटिटी रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंटिटी रिलेशनशिप है. आगे चलते हैं और देखते हैं, अभी देखते हैं रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल क्या है. जो हमने ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल पढ़े, अब रिकॉर्ड बेस्ड देखेंगे और उसके बाद फिजिकल देखेंगे. तो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स क्या हैं? रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल आर बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेवल ऑफ डेटाबेस. रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होता है, इंटरनल में, ठीक है. तो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल लेकिन क्या कर रहे हैं,
बेसिकली यूज हो रहे हैं क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल को, डेटाबेस के एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल. अब रिकॉर्ड स्टोर कहाँ हो रहा है, फिजिकल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे स्टोर होता है. लेकिन रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल किस किस के दरमियान यानी रिलेशनशिप को बताता है या डिस्क्राइब करता है चीजों को, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल को. अच्छा, और ये किसी हद तक डिस्क्राइब करता है इंटरनल लेवल को भी, किसी हद तक, ठीक है, कंप्लीट नहीं. अच्छा जी, देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल. तीन तरह के रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल. हायरार्किकल मॉडल क्या होता है, वही जो हमने पढ़ा था, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होएगा आपस में, ठीक है. और मोस्ट फेमस हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज IMS. मोस्ट फेमस हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, IMS उसका नाम है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. क्लियर, ये बात यहां समझ आ गई है सबको? अच्छा, पद्मा को वापस आने दें, थोड़ा सा उनका डिस्कनेक्ट हुआ है जरा सा. जी पद्मा, हम हायरार्किकल की मॉडल की बात कर रहे थे, आप डिस्कनेक्ट हुई हैं. एक्चुअल में ये क्या है, रिकॉर्ड है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. हायरार्किकल मॉडल में हम एक्चुअल में देखते हैं कि रिकॉर्ड्स का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है. और मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो IMS है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये बात याद रखनी है. और इसको IBM ने बनाया था, ये भी याद रखने की बात है, 1968 में. एक्चुअल डेट 1968 है, लेकिन 1960s का एरा है. IMS इज स्टिल द मोस्ट वाइडली यूज्ड DBMS ऑन IBM मेनफ्रेम्स. IBM के जितने भी सिस्टम्स हैं उनके ऊपर मोस्टली DBMS जो यूज होता है वो IMS ही हो रहा है. अच्छा जी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायरार्किकल मॉडल. अब ये इटसेल्फ इनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है. पहले तो हमने रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल की एग्जांपल्स पढ़ी या टाइप्स पढ़ी, वो थी हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल. अब हायरार्किकल मॉडल पढ़ रहे हैं और हायरार्किकल मॉडल के अंदर भी बेशुमार तरह की चीजें हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हायरार्किकल मॉडल की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज हायरार्किकल ट्री. जो हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो एज अ हायरार्किकल ट्री के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं. उनमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स के दरमियान चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है. उसके बाद ईच सब मॉड्यूल हैज ओनली वन सुपर मॉड्यूल. हर सब मॉड्यूल का एक सुपर मॉड्यूल होगा. 10 मिनट्स हमारे पास रह गए, 10 मिनट्स में कोशिश करते हैं हम आज का टॉपिक, आज का जो हमारा था दो पेज रह गए वो कर लें कंप्लीट. अच्छा, मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगी, बस देख लें. रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रियल रिकॉर्ड्स, ठीक है. हायरार्किकल मॉडल में ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड की. अगली प्रॉपर्टी है इसकी हायरार्की थ्रू पॉइंटर्स. इसमें हायरार्की मेंटेन की जाती है पॉइंटर्स के थ्रू. फिर इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है. ये दोनों बातें याद रखनी है. और परफॉर्मेंस जो हाई होती है ये किस वजह से होती है कि पॉइंटर जो होता है डायरेक्ट एड्रेस को लोकेट कर लेता है और जल्दी से वैल्यू फेच कर लेता है, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस हाई है. अच्छा, प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड टाइप्स. अच्छा, पहले से प्री डिफाइंड रिलेशनशिप होते हैं रिकॉर्ड्स के, फिर डिफिकल्ट होता है रिकॉग्नाइज करना इसको, और मोर कम्प्लेक्स रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स. अगर रियल लाइफ में इसको अप्लाई करें तो इसकी कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होंगी. नेटवर्क मॉडल, जल्दी से देख लें कि नेटवर्क मॉडल किसने कब डिवेल्प किया था.
नेटवर्क मॉडल वॉज डिवेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हायरार्की. अब देखें जब भी कोई चीज बनती है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हैं. अब उसको सॉल्व करने के लिए नई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, तो हायरार्कियल मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करने के लिए नेटवर्क मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया. नेटवर्क मॉडल ने क्या किया, इट मॉडिफाइड द हायरार्कियल मॉडल बाय अलाइनिंग मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. उसमें वो सिंगल करता था, सिंगल पेरेंट चाइल्ड को हैंडल करता था. इसने आके क्या किया कि मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हैंडल करने शुरू कर दिए नेटवर्क ने. दीज रिलेशनशिप आर नाउन एज सेट्स इन नेटवर्क मॉडल. इन रिलेशनशिप का जो नाम है नेटवर्क मॉडल में उसको सेट्स कहा जाता है. ये छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है कि रिलेशनशिप नेटवर्क मॉडल में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं. अच्छा, इट्स स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज कंस्ट्रेंट वर डिफाइंड बाय. अच्छा, इसका जो नेटवर्क है इसको कौन डिफाइन कर रहा है, कोडासेल जो कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस की है, ये डिफाइन करते हैं. और करैक्टरिस्टिक्स क्या है, खसूसियात क्या है इस मॉडल की, खसूसियात पढ़ते हैं. डेटा कोड, डेटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड एज नेटवर्क. डेटा का जो हम डेटा रिकॉर्ड की जो टाइप होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ नेटवर्क, नेटवर्क रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, उसके बाद सब मॉड्यूल कैन हैव वन और मोर सुपर मॉड्यूल्स. एक मॉड्यूल के सुपर मॉड्यूल या सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं. रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा इसका. रिलेशनशिप आर प्री डिफाइंड, रिलेशनशिप प्री डिफाइंड होंगे. डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, इसमें भी डिफिकल्ट है रिकॉग्नाइज करना. नेविगेशन डन बाय प्रोग्रामर, नेविगेशन कौन करता है, प्रोग्रामर करता है. और 3GL inadequate for handling sets. 3GL inadequate कोई तरीका कार है या कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हैंडल करते हैं सेट्स को. और क्यूरी फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, इसमें क्यूरी करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. टाइम थोड़ा रह गया, रिलेशनल मॉडल जल्दी से करते हैं. रिलेशनल मॉडल हमने पढ़ा था कल कि ये जो था डॉक्टर EF कॉर्ड जो था, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था रिलेशनल मॉडल सबसे पहले. और इसने क्या किया था, इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ TBMS टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. अब क्या हुआ, पहले डेटा कम हैंडल किया जा सकता था, अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हैंडल किया जा सकता था इसके थ्रू. और इसकी जो सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, जो इसके मेन प्रॉब्लम थे वो क्या थे, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा रिडंडेंसी. तो जो डॉक्टर कोड था, इसने प्रेजेंट किया था एक रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स. जो डेटा की इंफॉर्मेशन बैंक्स में शेयर की जाती है बड़े स्केल के ऊपर, इसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था रिलेशनल मॉडल के थ्रू. और ये 1970s में हुआ था. ठीक है, 1970s में. इरम को देख लें, पता नहीं वो इन है क्या नहीं है, लेकिन इरम तो यहाँ पे है ही नहीं. अच्छा, in a DBMS satisfies these rules is called as full relational database management system. acha jo DBMS satisfy karega iske CORD ke relational model ke rules ko, usko hum kehte hain full relational database management system or DBMS. relational database management system kisko kaha jata hai, jo ke ऐसा DBMS जो सेटिस्फाई करेगा रिलेशनल मॉडल के रूल्स को, उसको आर DBMS कहेंगे. अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं? सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आर एस फॉलोज. इसमें प्राइमरी की होती है हमारे पास, इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं. एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि टेबल के ऊपर जो कॉलम के हम नाम देते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ठीक है, किसी बंदे का नेम, क्लास, इनको एट्रीब्यूट कहा जाता है. और टप्पल क्या होते हैं, वो इंफॉर्मेशन रोज के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही होती है. अच्छा, रिलेशन टप्पल, ये इसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, इन अ रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन. डेटा को हम कैसे स्टोर कर रहे होते हैं, एक रिलेशनशिप में स्टोर कर रहे होते हैं. रिलेशन इज अनदर टर्म यूज फॉर टेबल. अच्छा जी, टप्पल, इन अ रिलेशनल मॉडल एवरी रिलेशन और टेबल कंसिस्ट ऑफ मेनी टप्पल. हर रिलेशनशिप में क्या होता है कि टेबल कंसिस्ट करता है मेनी रोज. ठीक है, बहुत सारी रोज होंगी. टप्पल आर आल्सो
कॉल्ड रिकॉर्ड और रोज. टपल्स को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रोज भी बोलते हैं. अब ये बात कल भी हमने पढ़ी थी कि रिलेशन को हम फील्ड भी बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है, और टप्पल को हम रिकॉर्ड और रो भी बोलते हैं. एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट इज नेम्ड एज कॉलम ऑफ रिलेशनशिप. एट्रीब्यूट किसी कॉलम का नेम होता है. जो रिलेशनशिप है उसका एक नाम जो होगा उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे. एट्रीब्यूट को हम कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं. किसी चीज की कैरेक्टर, एक कॉलम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो किसके बारे में बता रहा है. डोमेन, आर डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन आर मोर एट्रीब्यूट. डोमेन ये होती है कि देखें अगर एमसीएस के बच्चों का डाटा है तो एट्रीब्यूट ने जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होगी, जितने भी कलेक्शन होएगी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स की किसी भी एरिया में, उसको एक डोमेन कहेंगे. ठीक है, यानी स्टूडेंट का रिकॉर्ड, टीचर्स का रिकॉर्ड, एडमिन स्टाफ का रिकॉर्ड, इस तरह से. तो ये एक डोमेन बनेगी. स्टूडेंट्स एक डोमेन है, एडमिन स्टाफ एक डोमेन है. टाइम ओवर हो रहा हमारा, बिल्कुल जरा सा रह गया. डिग्री, डिग्री किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन. नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, जितनी खसूसियात होंगी किसी भी डोमेन के अंदर, उसको हम डिग्री ऑफ रिलेशन कहेंगे. और कार्डिनलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन. जितनी भी रोज होंगी उसको हम कार्डिनलिटी ऑफ दैट रिलेशन कहेंगे. एडवांटेजेस, मेरे ख्याल से टाइम नहीं बचा इसलिए नहीं करते, कल इसको शामिल करेंगे. ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ये कल यहाँ से आगे करेंगे. थैंक यू सो मच सेशन लेने के लिए और खामोशी से सुनने के लिए. बोलना आपका हक है, बोल लिया करें. अच्छा मैं पा रहा, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरा माइक म्यूट था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बोल रही थी, बाद में मुझे फील हुआ कि माइक म्यूट है. ये हमें पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो रूल्स कितने, उन्होंने कितने रूल्स प्रपोज किए थे, तो 12 रूल्स ईएफ कोड के जो रूल आएगा, ये आएगा आगे, ये पीएससी में क्वेश्चन आएगा. एक जगह मैंने पढ़ा है ये. हाँ, लेकिन ये रूल्स उन्होंने पूछे हुए थे कि कितने रूल्स हैं, तो ऑप्शन ये था 12, 14, 18, 20, इस तरह से. ये पीएससी का क्वेश्चन था. हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली. वो मुझे पता नहीं चला, माइक म्यूट था, मैं बोले जा रही थी, वो अब स्टॉप नहीं हो रही थी, फिर बाद में देखा वो माइक ही म्यूट था. ऐसा मेरे साथ भी कभी कभार होता है. टाइम बिल्कुल एंड हो गया है, तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज. ठीक है, नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्लास करेंगे. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. ओके ओके, अल्लाह हाफिज.